अपन यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेते हैं। अपना रिव्यू टैब चल रहा था, रिव्यू टैब में हमने आपको यहाँ तक बता दी, अब इतना आ गया था कि एक बार पूरा रिपीट करवाने बता दीजिए। देखिए सबसे फर्स्ट इसमें आपका रहता है यहाँ पे स्पेलिंग। आप जब कोई भी स्पेलिंग यहाँ पे लिखते हैं, जैसे अपन ने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर, अब आप देख रहे हैं ये कंप्यूटर की स्पेलिंग गलत है, या जैसे आपने सिर्फ यहाँ पे आल्टी लिखती है, कंप्यूटर की स्पेलिंग गलत है। आप इस पर क्लिक करते हैं, स्पेलिंग पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस टाइप का डायलॉग आपके सामने ओपन हो जाएगा, हो रहा है स्पेलिंग या ग्रामर का यहाँ पे डायलॉग ओपन हो। तो देखिए आप तो यहाँ पे लिखा रहा हूँ इंग्लिश, अब आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं आपको इसमें से कौन सी स्पेलिंग यहाँ पे सही है। जैसे ही आप इस टाइप का डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे स्पेलिंग देखने को मिलेगी। देखिए सजेशन में बता रहा हूँ आपको यहाँ पे सजेशन ऊपर क्या लिखा रहा है, नॉट इन डिक्शनरी, ये स्पेलिंग डिक्शनरी में नहीं है क्योंकि ये स्पेलिंग गलत है। आप तो यहाँ बता रहा है सजेशन में आपके कंप्यूटर की कौन कौन सी स्पेलिंग यहाँ पे सही हो सकती है। जैसे अपन तो यहाँ कंप्यूटर लिखना चाह रहे हैं वो अपन से ही बता, देखिए यहाँ पे क्या लिखा रहा है कंपोर्ट, अगर अपन कुछ और वर्ड लिखना चाहते ऐसा होता है सेम स्पेलिंग दो तीन वर्ड बनते हैं अपने। जैसे अब ये कंप्यूटर है स्पेलिंग गलत है, इसकी स्पेलिंग चेंज करते हो सकता है अपन यहाँ पे कंपाउंड लिखना चाह रहे हैं, अपन ने स्पेलिंग यहाँ पे गलत टाइप कर दी हो। तो देखिए आप तो सब स्पेलिंग बता रहे हैं, कंप्यूटर की भी बता रहा है कंपाउंड की बता रहे, दोनों बता रहे। अब जो भी स्पेलिंग आप यहाँ पे लेना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे, आप चेंज पे क्लिक कर देंगे, देखिए चेंज हो गया। अब ये तो अभी अपन ने लिखी थी एक चेयर पे, अब जैसे आपने यहाँ पे लिखा, आपने यहाँ पे लिखा और आपने यहाँ पे टाइप किया हुआ, आप कितनी जगह पे लिखी है, दो जगह पे आपने इस पे क्लिक किया, स्पेलिंग पे आपने क्लिक किया, बता रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटर की, आपने इस पे क्लिक करके चेंज किया। तो देखिए एक ही जगह पे चेंज है, फिर से आप चेंज कर रहे हैं तब आपकी दोनों जगह पे ये साथ में चेंज हो रही है। अभी अपन इसे कंट्रोल जेड कर लेते हैं, अब आपने दो जगह पे लिखी, अब आप दो या दो से ज्यादा बार जितनी बार भी लिखते हैं आप चाहते हैं सब जगह पे ऐसा चेंज हो जाए तब आप इस पे क्लिक करेंगे, और जो स्पेलिंग आप यहाँ से लेना चाहते हैं उस पे आप क्लिक करेंगे और चेंज ऑल पे आप क्लिक कर देंगे। देखिए दोनों जगह पे ऐसा चेंज हो जाएगी, इसमें ही आपको ऑप्शन मिलता है। जैसे आपने इस पे क्लिक किया आप स्पेलिंग पे क्लिक करते हैं ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे इग्नोर वन, आप एक जगह पे इग्नोर करना चाहते हैं ऑल जगह पे आप इग्नोर करना चाहते हैं तब आप यहाँ पे इग्नोर पे क्लिक कर देना, तो जो स्पेलिंग जैसी की वैसी लिख रही है, या तो आप क्लोज कर दें या तो आप इग्नोर कर दें। तो जैसी स्पेलिंग आपने लिखी हुई थी वैसी की वैसी वहाँ पे लिखी रहेगी, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं इस टाइप से यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पे कंप्यूटर लिखा है, सेकेंड ऑप्शन है रिसर्च, आप रिसर्च पे क्लिक करेंगे इस टाइप से यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएंगे। अब रिसर्च में आप इसके ड्रॉप डाउन एरो पे यहाँ क्लिक कर रहे हैं, आपने यहाँ क्या सेलेक्ट किया कंप्यूटर, इसके ड्रॉप डाउन एरो पे आप यहाँ क्लिक करेंगे। देखिए आप तो बता रहे हैं आप क्या यहाँ पे रिसर्च करना चाहते हैं, ट्रेजर लिखना चाहते हैं, ट्रांसलेट करना चाहते हैं, आप इंग्लिश पे क्लिक करते हैं यहाँ पे ही आप इस टाइप से ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो भी इसमें रिसर्च करना चाहते हैं, जैसे आपने सेलेक्ट किया यहाँ पे ट्रेजर, यही ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को भी मिल रहा, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आप इसमें जो भी यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ कंप्यूटर लिखा, कंप्यूटर की जगह पे अपन इसमें से कुछ भी वर्ड लिख सकते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर जगह पे आप यहाँ पे पीसी लिख सकते हैं, कंप्यूटर से शॉर्ट में पीसी होता है, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर और ये है आपका कंप्यूटर। अगर आप कंप्यूटर जो है पीसी लिखना चाहते हैं तब आप इस पे यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट, आप इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे, देखिए चेंज हो गया। इस टाइप से यहाँ पे आप जो भी रिसर्च करना चाहते हैं, अगर आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ट्रांसलेट पे क्लिक कर देते हैं। देखिए फ्रॉम में आपको वो लैंग्वेज सिलेक्ट करना है जिसमें आपका डेटा ऑलरेडी लिखा है, किसमें लिखा है इंग्लिश में, टू में वो लैंग्वेज सिलेक्ट करना है जिसमें आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं हिंदी में, या आप जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहते हैं। देखिए प्रीव्यू बता रहा हूँ आपने इंसर्ट पे क्लिक कर दिया, देखिए आ जाए यहाँ पे कंप्यूटर, इस टाइप से यहाँ पे ये ट्रांसलेट हो जाएगा। अब इससे नेक्स्ट इसमें रहता है थ्रेसर, जैसे कि आपने यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ है अभी अपन ने पढ़ा था रिसर्च में, थ्रेसर का यूज रहता है आप कंप्यूटर जगह पे कौन कौन से वर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं, आपने इस पे क्लिक किया, देखिए बता रहे हैं आप पीसी लिख सकते हैं, सीपीयू, प्रोसेसर, जो भी आप लिखना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक करेंगे इंसर्ट कर देंगे, देखिए चेंज हो गया। पीसी लिखना है तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे इंसर्ट, यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। इससे नेक्स्ट आपको इसमें मिलता है ट्रांसलेट, जैसे कि आपने यहाँ पे
कंप्यूटर लिखा है, आप किसी पर्सन से यहाँ पे नाम लिखते थे, जैसे कि अपन ने यहाँ पे लिख लिया रूपल, आप कोई भी नाम वगैरह जैसे यहाँ पे लिखना है। अब आप ट्रांसलेट करना चाहते हो, क्या करेंगे आप, इस पे क्लिक करेंगे, ट्रांसलेट पे आप क्लिक करेंगे, देखिए रिसर्च का ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, सेम वही आपका यहाँ से ओपन हुआ था। देखिए अपन ने ट्रांसलेट पे क्लिक किया, लेकिन उसने सिलेक्ट क्या किया है, रिसर्च। अब आप यहाँ से इसे ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो फ्रॉम में आप वो लैंग्वेज सिलेक्ट करना जिसमें आपका डेटा यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में, और टू में आप इससे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना, वो लैंग्वेज सिलेक्ट करना जिसमें आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं। प्रीव्यू बताया था, आप इंसर्ट कर देना, ये चेंज हो गया, रुपये लिखा है। इस टाइप से आप यहाँ पे इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। कंप्यूटर करना है तो ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे, देखिए लैंग्वेज यहाँ पे अपन ने पहले सेलेक्ट की थी वो सिलेक्ट है, आप इंसर्ट पे क्लिक कर देना, इस टाइप से यहाँ पे ये हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। फिर ऑप्शन है यहाँ पे कमेंट का, अगर आप इसमें कमेंट देना चाहते हैं, अभी आप देख रहे हैं कमेंट वाला कोई भी ऑप्शन आपके यहाँ से हाईलाइट नहीं हो रहा, डिलीट प्रीवियस नेक्स्ट, क्योंकि अपन ने कमेंट यहाँ पे इंसर्ट नहीं किया। कमेंट आप देना चाहते हैं, आप न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे, ये कमेंट का डायलॉग ऑप्शन। अब आप जो भी कमेंट इसे देना चाहते हैं आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। देखिए अब अपन ने खाली जगह पे क्लिक किया, आप देखिए इसके पास में आपको छोटा सा रेड कलर का डॉट यहाँ पे सो रहा है, अपन इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, देखिए सो रहा, आप इस पे माउस पॉइंटर लेके जा रहे हैं, आपको यहाँ पे कमेंट्स करवा रहा है। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पे प्रीवियस और नेक्स्ट ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है, हो रहा है यहाँ पे ऑप्शन हाईलाइट। अब जैसे आपने इस पे क्लिक किया, आप इस पे भी कमेंट देना चाहते हैं, तो आपने यहाँ से न्यू कमेंट पे क्लिक कर दिया, अब जो भी कमेंट आप यहाँ पे देना चाहते हैं आप टाइप कर देंगे। अब कमेंट कितनी जाए पे, दो जाए पे, अगर आपने इस पे क्लिक किया आप यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना, ये नेक्स्ट कमेंट पे आ जाएगा। अगर आप प्रीवियस पे जाना चाहते हैं तब आप प्रीवियस पे क्लिक करते हैं। अब देखिए अपन ने कहाँ क्लिक किया था, यहाँ आपने यहाँ क्लिक किया और आपने प्रीवियस पे क्लिक किया, तो पहले उसने इस टाइप का डायलॉग बॉक्स ओपन किया, आपने इसे ओके किया तब उसने ये वाला सेलेक्ट किया। अब आप फिर से प्रीवियस करेंगे तो ये सिलेक्ट कर रहा है, लेकिन आपने इस पे क्लिक किया है और आप प्रीवियस कर रहे हैं तो डायरेक्ट वो यहाँ से प्रीवियस पे चला जाएगा। नेक्स्ट पे करना है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिलीट पे क्लिक कर देंगे, देखिए वो कमेंट यहाँ से डिलीट हो गया, अपन यहाँ पे कमेंट दे देते हैं। अब आप देख रहे हैं अपने पास दो कमेंट है, एक आपने यहाँ दिया है एक यहाँ पे दिया हुआ, दो कमेंट दिए अपन ने, ये दो कमेंट है अपने पास। अब आप देख रहे हैं आपने जैसे इस वाले कमेंट पे क्लिक किया तो ये ऑप्शन हाईलाइट आ रहा है सो हाइड कमेंट, और एक ऑप्शन है आपका यहाँ पे सो ऑल कमेंट। अभी आप देख रहे हैं कमेंट आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा, सिर्फ छोटा सा डॉट बता रहा है रेड कलर का, जिस पे भी आप माउस पॉइंटर लेके जाते हैं वो कमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर आप चाहते कमेंट आपको यहाँ पे शो होते रहे तो आप सो ऑल कमेंट पे क्लिक कर देंगे, देखिए अब अपन उस पर माउस पॉइंटर नहीं है, माउस पॉइंटर तो यहाँ है तब भी आपको शो हो रहा, आप इस पे से क्लिक हटा देंगे कमेंट यहाँ पे शो नहीं होगा, सिर्फ आपको डॉट यहाँ पे शो होता रहेगा। और एक ऑप्शन है सो हाइट कमेंट, देखिए अभी यहाँ पे क्लिक किया तो ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा, आप कमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। सो ऑल कमेंट का मतलब होता है आपको पूरे कमेंट यहाँ पे शो करना है, सो हाइट कमेंट का मतलब होता है आपने इस वाले कमेंट पे क्लिक किया है ये आपको यहाँ पे इस पे जैसे ही आप क्लिक कर देंगे देखिए ये वाला शो होता रहेगा, बाकी कमेंट आपके शो नहीं होगी, एक और कमेंट दिया लेकिन वो शो नहीं हो रहा, इस पे से क्लिक हटा देंगे तो ये भी शो नहीं होगा। आपने इस पे क्लिक किया, आपने सो हाइट कमेंट पे क्लिक कर दिया, देखिए ये कमेंट आपको शो हो रहा है यहाँ पे। अब अपन किसी और जगह पे क्लिक कर रहे हैं तब भी शो हो रहा है, लेकिन ये वाला कमेंट जब माउस पॉइंटर ले जाते हैं तभी शो होता है। सो हाइट का मतलब होता है जो कमेंट आप शो करना चाहते हैं सिर्फ वो आप यहाँ से शो करवा सकते हैं, सो ऑल में आपको सब शो हो जाएंगे, और सो लिंक पे आप क्लिक करते हैं कमेंट आपको यहाँ पे लिंक में शो करवा देते हैं। इतने ऑप्शन क्लियर है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिलता है प्रोटेक्ट सीट, आप प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करते हैं तो इस टाइप का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अभी आप देख रहे हैं अपने ये पूरे ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं, आप देख रहे हैं पूरे ऑप्शन हाईलाइट हो रहे हैं, आप इसमें कुछ भी यहाँ पे टाइप करते हैं तो अपना टाइप भी यहाँ पे हो रहा है, लेकिन आप इसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तब आप क्या करेंगे, प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करेंगे तो प्रोटेक्ट सीट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से इसे पासवर्ड दे देंगे, अपन ने पासवर्ड दे दिया 123, आप इसे यहाँ से ओके करेंगे, फिर आप यहाँ पे इसे वही पासवर्ड रिपीट कर देंगे, देन जैसे ही आप इसे ओके करेंगे अब आप देखिए आपके ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा, देखिए अपन ने इस पे क्लिक किया है तब भी डिलीट का ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा, पहले हो रहा था अब नहीं हो रहा। अब आप होम टैब पे जाएंगे, देखिए ऑप्शन हाईलाइट यहाँ पे नहीं हो रहा। अब आप इस सीट पे यहाँ से राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आप देखिए यहाँ पे रीनेम पे क्लिक कर रहे हैं
रीनेम हो रहा है, देखिए रीनेम तो हो रहा है यहाँ पे सी,